राज, राजू और भालू। राज और राजू पक्के दोस्त थे। राजू दुबला पतला था और राज मोटा था, एकदम गोल मटोल। एक बार वे किसी दूसरे गांव में जा रहे थे। वहां उनका एक मित्र रहता था। वहां तक पहुंचने के लिए एक जंगल से होकर जाना पड़ता था। उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों डर से कांपने लगे। दुबला पतला राजू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा, पर राज मोटा होने के कारण तेज नहीं दौड़ सका। तब तक भालू निकट आ चुका था। राज ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मरे हुए शरीर को नहीं खाते। वे तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। वह ऐसे लेट गया कि मानो शरीर में जान ही नहीं। भालू घुर्राता हुआ राज के पास आया, उसके चेहरे और शरीर को सूंघा, फिर उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू दूर निकल गया तो राजू पेड़ से उतरा। वह राज के पास आकर बोला, मित्र, मैंने देखा था, भालू तुमसे कुछ कह रहा था, क्या कहा उसने? राज ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र मत कहो। क्यों? राजू ने पूछा। भालू ने मुझे तुम्हारी असलियत बता दी है। उसने मुझसे कहा था राजू पर विश्वास न करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है, राज बोला। यह सुनकर राजू बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे लगा कि सचमुच उससे गलती हो गई। उसने शर्म से सिर झुका लिया। शिक्षा: सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए।